साल 2023 में अगर किसी बॉलीवुड एक्टर को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली है तो वो है शाहरुख खान। पठान के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमबैक करने वाले किंग खान शाहरुख खान ने साल में दूसरी बार बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जवान के साथ कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब उनकी साल की तीसरी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम डंकी है। हिट फिल्म की गारंटी माने जाने वाले डायरेक्टर राजकुमार ईरानी की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज पोस्टर जारी कर सालार के मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सालार दोनों की भारत में बेहद एक साथ होने वाली है। बॉक्स ऑफिस में होने वाले इस क्लैश से पहले डंकी के मेकर्स ने एक सालार को पटखनी देने के लिए एक बड़ा दाव खेला है। क्या है वो दाव आपको बताते हैं। दरअसल फिल्म डंकी और सालार दोनों ही एक ही दिन रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्में भारत में 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। दो बड़े स्टार्स एक साथ फिल्मी पर्दे पर टकराते नजर आएंगे। ऐसे में डंकी के मेकर्स ने बड़ा दाव खेला है। फिल्म पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज नहीं होगी। भारत में रिलीज होने से पहले फिल्म दूसरे देशों में रिलीज होगी। फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज डेट 21 दिसंबर है। इस खबर के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग डंकी ट्रेंड कर रहा है। अब चलिए जानते हैं कैसे होगा डंकी को फायदा। तो दोस्तों साफ है कि भारत से बाहर लोग इस फिल्म को देख लेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देने शुरू कर देंगे जिससे भारत में मेकर्स को फायदा होने वाला है। फिल्म का हाई बज बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान को किंग बना सकता है। डंकी में शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस तापसी पन्नू, दिया मिर्जा और बोमन ईरानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। राजकुमार ईरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस कर रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि डंकी और सालार में बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारेगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ड फैन हैं तो ऐसी ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।